सभी का फिर से स्वागत है हिंदी के थर्ड लैंग्वेज क्लास में। और जैसे कि तुम्हें पता ही है कि हमने कुछ दिनों में तुम्हारी हिंदी किताब से पाठ 12 को खत्म किए, जो पाठ था एक थे तेनालीराम, तेनालीराम के ऊपर। तो आज हम इस पाठ से करेंगे एक रिविजन। ओके, दो प्रश्न होंगे जिसके ऊपर तुम्हें रिविजन करने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न मैं बोर्ड में लिख रही हूँ, ये तुम लिख लो। और लिखने से पहले अवश्य एक बार ये चैप्टर दोहरा लेना, उसके बाद ही लिखना, ठीक है? तो चलो लिखना शुरू करते हैं। तो जो दो प्रश्न लिखने वाले हो वो प्रश्न मैं लिख रही हूँ, पूरा प्रश्न लिखना है, ठीक है? प्रश्न क है, रामलीला मंडली का प्रत्येक कलाकार कैसा था? ख, रामनगर किसके राज्य में था? दूसरी प्रश्न, किसने किससे कहे? देखो, इस तरह के वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई वक्ता होता है, यानी कि कोई स्पीकर होता है जो वक्ता किसी से बोल रहा हो या फिर किसी को कुछ बोल रहा हो, ठीक है? तो वो वक्ता कौन है उसे हम वो उत्तर में लिखेंगे, ठीक है? जैसे कि किसने किससे कहा, किसने हो गया वो वक्ता, यानी कि जो बोल रहा है ये वाक्य, किससे कहा यानी कि जिसको वो बोल रहा है या फिर जो सुन रहा है, लिसनर, ठीक है? तो प्रश्न है, महाराष्ट्र रामनगर आपके राज्य में ही है, ठीक है? ये प्रश्न लिखो, उसके बाद उत्तर लिखना। का प्रश्न फिर से इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है? तो ये वाक्य फिर से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, पंक्चुएशन मार्क यानी कि विराम चिन्ह इधर है, ठीक है? तो इसमें भी जो वक्ता है यानी कि किसने, जो वक्ता उसका नाम तुम्हें लिखना है, और किससे कहा यानी कि जो श्रोता है, जो सुन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे और एक प्रश्न मैं देने वाली हूँ, ये भी तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, तो तुम्हें इतना था कि आज का जो काम है वो करना है, वो है तीन वाला प्रश्न। देखो, नीचे लिखे वर्णों को सही करके शब्द बनाए, यानी कि जो वर्ण है यहाँ पे मैंने अलग अलग किए हैं, उनको तुम सजाकर एक पूरा वर्ण होगा वो शब्द लिखोगे, ठीक है? वर्णों को मिलाकर शब्द लिखना है। तो बच्चों आज का रिविजन इतना तक ही होगा, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखोगे और प्रश्नों को भी लिखोगे साथ में, और लिखने से पहले एक बार रिवाइज कर लें। तो आज का क्लास हम इतना तक ही करेंगे, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में एक दूसरे किसी कहानी या फिर कविता के साथ, ठीक है? तब तक खुश रहो, पढ़ाई करो। थैंक यू।